प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम लड़कियों को, जो कि बात करेंगी हमारे सनातन धर्म और हिंदुओं के बारे में। और खास बात यह है कि उसमें से एक लड़की पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शैला खान है और दूसरी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी दबंग वकील नाजी लाई खान जी हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। देखिए मेरी जहानत, आप मेरे छाती मत देखिए, और ये उम्र भी नहीं बची है छाती देखने की। आप देखिए कि नाजिया कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आप छाती पे ही अटके हुए हैं। आप क्यों छाती पे अटके? तो देखो, तुम तो हालांकि शैला मुस्लिम कंट्री में रह रही हो, मुस्लिम ममालिक में रह रही हो, सारे के सारे मुसलमान जो तुमको दुपट्टा उड़ाने वाले हैं वो भी मुसलमान, जो तुम्हारा दुपट्टा शब्दों से खींचने वाले हैं वो भी मुसलमान। क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कांग्रेस के जमाने में, बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की कोशिश ममता बनर्जी के राज में तृणमूल कांग्रेस की सरकार में, केरला को पीएफआई के साथ मिलकर के सीरिया बनाने की कोशिश कांग्रेस के राज में। तो हम कैसे नहीं कहें कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं राहुल गांधी से। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और दोस्तों, काफी लंबे टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 20 दिन के बाद, हमारी स्क्रीन पे आपको जो खूबसूरत हसीना नजर आ रही है नाजिया लाई खान, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और बहुत जबरदस्त आज का शो दोस्तों होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे भारत की इलेक्शन कंपेन की। जब भारत के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो भारतीय आवाम ये कहती है कि हमें या हमारी जो बीजेपी पार्टी है उसको विन करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी तकरीरों में पाकिस्तान का जिक्र करें। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जब भी 5 साल के बाद इलेक्शंस आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को अपनी इलेक्शन कंपेन में ज़रूर कोट करते हैं। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपनी इलेक्शन रैली के अंदर पाकिस्तान को कोट किया और कहा कि गांधी परिवार और राहुल गांधी को तो जी पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है। और इस पर हम बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशनशिप तो बिल्कुल, मैं कहूँगी कि एंड हो चुके हैं, ना दोस्ती रही ना दुश्मनी रही, लेकिन फिर भी जो है जो सियासतदान है वो कहीं ना कहीं अपने वोट के लिए पाकिस्तान या इंडिया का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। नाजिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शो पे बुलाने का मकसद ये है क्योंकि ये बीजेपी के स्पोक पर्सन भी है और अच्छे से इन सवालों के जवाब देंगी। तो थैंक यू सो मच नाजिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। थैंक यू सो मच शैला, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे तो लगा था कि आप लोग एकदम से ही बैन हो चुके हो, पर चलो अच्छी बात है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि एक जरिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में बात करने का, उस जरिया को सरकार को बंद नहीं करना चाहिए। हम गौर तालाब जब करते हैं तो यहाँ की अच्छाई से वहां के युवा भी प्रभावित होते हैं, उनको भी समझ में आता है कि हमें शिक्षित होना चाहिए, हमें डेवलप करना चाहिए। तो ये चीजें एक अच्छी हैं, गौरतलब होनी चाहिए। पर थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो में बुलाया है और सीधा पाकिस्तान और राहुल गांधी पर आपने मुझे बात करने के लिए कहा है, तो थैंक यू थैंक्स अ लॉट। अच्छा देखिए शैला, कश्मीर को लश्करे तैबा के साथ मिलकर के पाकिस्तान बनाने की कोशिश किसकी सरकार में हुई थी? कांग्रेस की सरकार में हुई थी ना। आज लोग ये कह रहे हैं, आपने ये कह दिया पाकिस्तान से बैठ करके, मुझे इनवाइट ही किया इसी के लिए कि मैं जवाब दे सकूं जी। देखिए यासीन मलिक के साथ बैठ करके डिनर कौन करता था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के मनमोहन सिंह, और वो यासीन मलिक जो लश्करे तैबा के इशारे पर नाचता था और कश्मीर में हाहाकार मचा करके रखा था, उसको बस किसी भी तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान बनाना था। यहां तक कि कश्मीर के लाल चौक पे तो पाकिस्तान का झंडा लहराने का नौबत आ चुका था। आपको तो याद ही होगा, आपके घर के बड़े बुजुर्ग तो ये बात बताते ही होंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के सरकार की लीडरशिप में अब्दुल्ला के नाक के नीचे और मुफ्ती के नाक के नीचे वहां पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था,
वहां से कश्मीरी पंडितों को जो उनकी सरजमीन थी, जो उनकी जगह थी, जो उनके राजाओं ने बनाया था, जो उनके महंत ने बनाया था कश्मीर को कश्मीरी पंडितों के लिए, वहां से उनको ही खदेड़ करके, मार करके, उनकी बहु बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार करके वहां उसको पाकिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की गई। देखिए हमारे भारत के सनातनियों का दिल बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि पाकिस्तान की आयशा को का जो दिल धड़क रहा है वो हमारे भारत का ही दिया। हाँ, खूबसूरत है। आप भले ही चीख लें, आप भले ही चिल्ला लें कि भारत हमसे दुश्मनी करता है, मोदी जी बड़े बुरे हैं, आप भले ही चिल्ला लें, या भारत के मुसलमान भले ही चिल्ला लें, पर जब भी मुसलमानों पर कोई मुसीबत आई है या जब भी मुसलमानों पर कोई तकलीफ आई है, ये हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और हमें हमेशा सुरक्षित रखा है। आप सोचो कि हमारे इस देश में श्रद्धा की बोटियां हो जाती हैं, सुजेट जॉर्डन का बलात्कार हो जाता है, नेहा को भरे भरे मैदान में कॉलेज के अंदर एक फैजान जा करके काट देता है, लेकिन नासिया लाई खान को छू नहीं सकता है कोई। हालांकि मैं 24 घंटा सिर्फ घर में जो मैं 6-7 घंटे रहती हूँ, इसके अलावा 18 घंटा 19 घंटा मैं सनातनियों के भीड़ में रहती हूँ, पर कोई उठा करके नजर नहीं, ऐसे करके नहीं देखता है शाला। तो मेरे इस भारत तो वैसे भी सनातनियों ने जीत लिया है। हम जहाँ से दौड़ में पीछे रह गए हैं, मरते हैं अभी हालिया में देखो ना शाला, आपको एक मुसलमान मर्द दुपट्टा उड़ाने लगा था भरे बाजार में, देखा था ना आपने, आपने कहा भी कि अरे भाई तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है। और यही बात मैं भारत में बोलती हूँ कि साजिद रशीदी साहब यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, मेरा यहाँ देखो, यहाँ देखो कि नाजिया का दिमाग कितना तेज चलता है, मेरी शक्ल देखो, तुम उधर देखते ही क्यों हो। ये दुपट्टे वाला वीडियो भारत का दी प्रिंट वेबसाइट है, उन्होंने आर्टिकल लिखी है, पाकिस्तान की सेलिब्रिटी भारत एक्स। अब मैं रोड पे निकलती कह रही मैम दुपट्टे वाली। तो आप भी परेशान है ना, आप हालांकि वो ऐसे शाहरुख खान की तरह सीन है, ये शाहरुख खान ऐसे बाई खोलता है, उसने अपनी चादर मेरे लिए खोल दी। लेकिन हाँ अगर शाहरुख खान की तरह नहीं, प्लीज 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 शाहरुख खान की तरह, मैंने कहा शाहरुख खान की शायद फेमस रहती है, शाहरुख खान की शायद महंगी रहती है, नहीं उनके बाहें खोलने का स्टाइल बड़ा फेमस है ना, नहीं बाहें खोलने का स्टाइल बड़ा फेमस है, बड़ा पसंद है मुझे, उसने उतना लंपट लगा वो मर्द, मुझे इतना लंपट लगा, इतना बेवकूफ और इतना बोका था वो, और तुमने भी जवाब उसको एकदम सटीक दिया कि तुम्हारा इस्लाम हमेशा दुपट्टे से शुरू होकर दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है। यही बात मैं स्टोरियों में बोलती हूँ साजिद रशीदी साहब को कि मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत, आप मेरी मेरे छाती मत देखिए, और ये उम्र भी नहीं बची है छाती देखने की, आप देखिए कि नाजिया कितनी पढ़ी लिखी है लेकिन आप छाती पे ही अटके हुए हैं, आप क्यों छाती पे अटके। तो देखो तुम तो हालांकि शैला मुस्लिम कंट्री में रह रही हो, मुस्लिम ममालिक में रह रही हो, सारे के सारे मुसलमान जो तुमको दुपट्टा उड़ाने वाले हैं वो भी मुसलमान, जो तुम्हारा दुपट्टा शब्दों से खींचने वाले हैं वो भी मुसलमान, तो इसलिए और मैंने जितना सिक्योर सेफ, मैंने जितना अपने आप को पावरफुल सनातनियों के भीड़ में देखा है, मैंने मुस्लिम गलियों में खुद को उतना सिक्योर नहीं देखा है। मैं मुस्लिम गलियों में जब जाती हूँ किसी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए या किसी स्पीच के लिए, मैं मतलब तुमको किस चीज की कसम खाऊं, माँ की भी कसम खाऊं तो मुझे चलेगा क्योंकि मैं सत्य बोल रही हूँ, अंदर से मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ से हाथ मार देगा, भीड़ भाड़ देख करके पता नहीं क्या टच कर देगा, पता नहीं कौन से उजू को, कौन से शरीर को टच कर देगा जो मुझे दो चार रात नींद नहीं आएगी। तो मैं 10-12 लड़कों को मैं बोल देती हूँ जो मेरे साथ लड़के जाते हैं, या जो मेरी सारी स्टाफ जो लड़कियां हैं, मेरी ऑफिस में भर करके लड़कियां हैं, 13-14 लड़कियां मेरे यहाँ काम करती हैं, तो जब मैं किसी मुस्लिम पाड़े मोहल्ले में जाती हूँ स्पीच के लिए, तो मैं वो 13-14 लड़कियों को लेकर के जाती हूँ, तुम लोग मुझे घेर लेना और मैं बीच में रहूंगी, क्योंकि उनको हाथ मारना है मुसलमान लड़कों को, वो हाथ मारते हैं, वो भले ही कमेंट में कह दें नाजिया तो हिजड़े जैसी लगती है, नाजिया तो बहुत बशकल है, पर जब वो देख लेते हैं तो उनका मुंह से तो लार टपकना स्टार्ट हो जाता है, जब वो देख लेते हैं तो उनका तो पूरा मतलब शरीर जो है वो हिलने लगता है, तो टच करने के लिए बिल्कुल बावले हो जाते हैं, और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है शायद, प्रैक्टिकली मैंने देखा है।
हालांकि आपने मेरी कई स्पीचेस जो है वो आपने दिल्ली की सड़कों पर रोड पर मुझे भीड़ में देखा है, पर आपने देखा उस पूरे वीडियो में कभी भी कि कोई टच कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है? नहीं, क्योंकि सनातनियों में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हैट्स ऑफ है यार, हैट्स ऑफ है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शैला खान के सवाल और नाज़िर लाई खान जी के दमदार और बेबाक अंदाज से दिए गए जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे। और जैसे कि आपने देखा, नाज़िया खान जी ने दिल खोल के हिंदुओं की तारीफ और ये कहा कि सनातनियों के बीच में वो सुरक्षित महसूस करती हैं, तो ये हम सब हिंदुओं के लिए गर्व की बात है कि एक दूसरे धर्म की महिला हमारे बीच में सुरक्षित महसूस करती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।